नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में तीन ऐसी कंपनियां बताऊंगा जिन कंपनियों पे मुझे खुद से भी ज़्यादा जो है ट्रस्ट है। इस कंपनियों पे जो है मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनियां 50-50 हज़ार रुपये की या 1-1 लाख की जो इन्वेस्टमेंट होगी उनको करोड़ों में कन्वर्ट करके देगी। ये ऐसी कंपनियां मुझे लगता है इसमें हाई ग्रोथ देखने को मिलेगी। तीनों ही शेयर जो है अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कंपनियां हैं, ठीक है। तो बहुत गजब का पैसा अगर छापना है ना तो इन कंपनियों में तीनों में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए और भूल जाइए, ठीक है। 5-10 साल का टाइम दीजिए, बहुत बड़ा पैसा आपको बना करके देगी ये कंपनियाँ, ठीक है। कौन सी कंपनियाँ तो उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर मंथली आप जो है 5-5 हज़ार रुपये इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर देते हो ना, मतलब तीन कंपनियाँ तो 5 हज़ार रुपये तो करोगे अच्छी कंपनियाँ। और यदि बात करें, ये सिर्फ 35% की कंपाउंडिंग दे दे, क्योंकि ये कंपनियाँ मिड कैप कैटेगरी की है तो ये करीब CAGR मान के चलिएगा दे देगी, ठीक है। तो आने वाले 10 सालों में आपका जो पैसा है 5 हज़ार रुपये की जो SIP है वो 10 सालों के बाद 53 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि आप जो हर महीना 5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करोगे ना, वही आपको 53 लाख रुपए बना करके देंगे। और अगर आप 15 सालों तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपका जो पैसा है 3 करोड़ 10 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत गजब का पैसा ये कंपनियाँ तीनों बना करके दे सकती हैं अगर SIP करते हो तो। और अगर SIP करने की बजाय आप लमसम जो है मान के चलें 3 लाख रुपये या मान के चलें 50-50 हज़ार रुपये तीनों ही शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब कि पूरा इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया 1.5 लाख रुपए का और हमारा जो रिटर्न है 35% की CAGR मान के चलता हूं और आने वाले 10 सालों तक मान के चलता हूं कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करके रखोगे 1.5 लाख रुपए, तो हमें जो है यही 1.5 लाख रुपए करीब 30 लाख रुपए का जो है पैसा बना करके देंगे, ठीक है। वहीं पे अगर आप 5 साल और दे देते हो, मतलब टोटल 15 साल देते हो, तो आपका यही पैसा जो है 1.35 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी गजब की कंपनियां हैं और ये जो पैसा है देखिएगा कितना ग्रोथ, कितना गजब का ग्रोथ करेगी कंपनियां, ठीक है। तो कौन सी कंपनियां उनकी तरफ मैं लेकर के चलता हूं दोस्तों। पहली जो कंपनी है जिसपे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है वो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी की अगर बात करें 46 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है और इस कंपनी ने यदि बात करें 2019 में लिस्टिंग हुई थी और 381% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए। लगभग सालाना ये मान के चलिएगा कि 100% के रिटर्न इस कंपनी ने बना करके दे दिए लास्ट के सालों में, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें इस कंपनी की एक साल की, तो एक साल में इस कंपनी ने दिया 18% का प्रॉफिट। वहीं पर 5 साल जो कि मैक्सिमम टाइम है 2019 से अभी तक का, तो ये कंपनी 381% जो है पैसा परसेंट का जो है प्रॉफिट बना करके दे चुके हैं। 3.8 गुना तक पैसों को कर दिया इस कंपनी ने। अगली जो कंपनी है वो है दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक। यदि पॉलीकैब की बात करें दोस्तों, तो पॉलीकैब इंडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में जो है ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है अलग अलग, और खासकर वायर सेगमेंट में नंबर वन कंपनी है, मार्केट लीडर है इंडिया में, ठीक है। यदि बात करें दूसरी कंपनी की, तो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, इस कंपनी की अगर बात करें तो ये कंपनी केमिकल की है। 13 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का और इस कंपनी का मैक्सिमम मैं दिखाना चाहूँगा आपको, 2018 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, ठीक है। करीब ये मान के चलिएगा कि 15 साल हो गए इस कंपनी को, 5 साल हो गए इस कंपनी को, 5 साल में इस कंपनी ने 458% का रिटर्न दे दिया। यही मान के चलिएगा कि सालाना 100% का रिटर्न ये भी दे रही है, ठीक है। यदि ये गिरावट ना होती तो यहाँ पे रिटर्न कुछ और ही देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिएगा 778% का रिटर्न देखने को मिलता है और गिरावट की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है कंपनी। और यहाँ पे गिरावट की अगर बात करें तो 35% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगले शेयर की बात करें तो जो लास्ट शेयर है वो है दोस्तों वरुण बेवरेजेस। इस कंपनी की अगर बात करें तो FMCG का ये काफ़ी गजब का शेयर है। इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी दोस्तों 2016 में और 91 हज़ार करोड़ का जो है ये इसका मार्केट कैप है। और 2016 से लेकर अभी तक मतलब कि करीब हो गए हैं 6-7 साल में इस कंपनी ने 981% का गजब का प्रॉफिट बना करके दिया। बहुत गजब की कंपनी है और ये कंपनी भी आपको जो है बहुत बड़ा पैसा आपको बना करके देगी, FMCG की ये कंपनी है। और तीनों की यदि ग्रोथ की बात करें तो 50+ का जो कंपाउंडिंग CAGR ये कंपनियाँ दे रही हैं और बहुत गजब का पैसा आपको बना करके देंगी तीनों कंपनियाँ। इनमें यदि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कर लीजिएगा, और यदि आपके पास है ये शेयर ऑलरेडी तो इन्वेस्टमेंट मतलब पकड़ के रखिएगा, इनमें से एग्जिट करने के बारे में मत सोचिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।